व्हाट इज अ प्रोसेस रिव्यू अब जब हम लोग प्रोसेस रिव्यू की बात कर रहे हैं तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी सॉर्ट ऑफ ऑडिट अभी ऑडिट की बात नहीं है प्रोसेस रिव्यू ये होता है कि जब भी हमने कोई रोल आउट किया प्रोसेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इनिशियटिवी है फ्रॉम द टॉप टीयर कि हमने ये ऑर्गेनाइजेशन में रोल आउट करना है प्रोसेस तो जो प्रोसेस का रिव्यू होता है बिफोर वी गो आउटसाइड यानी इससे पहले कि हम कोई ऑडिट की कंपनी को बुलाएं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डू द इंटरनल ऑडिट अब मैं इंटरनल ऑडिट का नाम इसलिए नहीं ले रहा इंटरनल ऑडिट सीम्स टू बी अ वेरी फॉर्मल थिंग टीमों को ऑर्गेनाइज करते हैं अब लोगों को डिफरेंट uh, टाइमलाइंस देते हैं डिफरेंट टेंजेबल डाटा गैदर करने के लिए हम लोग बोलते हैं तो वो बड़ा फॉर्मेलिटी हो जाती है प्रोसेस रिव्यू होता है कि जो भी इनिशियटिव आपने विद इन ऑर्गेनाइजेशन लिया है सबसे पहले यू नीड टू गेट द फीडबैक फ्रॉम द एंड यूजर्स यानी यूजर्स से आपने कुछ फीडबैक लेना है कि जो भी इनिशिएटिव ऑर्गेनाइजेशन में हुआ है हाउ इफेक्टिव दैट इनिशिएटिव इज तो इसके दो तीन बड़े ही बड़े कॉमन से और बड़े सिंपल से स्टेप्स होते हैं सबसे कॉमन चीज जो होती है वो ये होती है इसको हम लोग बोलते हैं अ रिव्यू करवाना मतलब वो टीम जिसने प्रोसेस बनाया होता है वो कोई एलियन टीम नहीं होती किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस की या किसी भी कंपनी की वो उसी कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं वो उसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं जिनके जिनके बाकी ने प्रोसेस को फॉलो करना है तो पीयर रिव्यू ये होता है कि जिस डिपार्टमेंट ने या जिस टीम ने प्रोसेस को रोल आउट किया है वो अपने किए हुए काम को किसी दूसरी टीम से रिव्यू करवा के फीडबैक लेती है वॉट डज इट मीन इसका मतलब है अमूमन विद इन कंपनीज जो डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोसेस को बनाने का वो ई क्यू एम एस होता है इंटरप्राइज क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम तो वॉट आई एम सींगू है उसकी फर्स्ट हैंड जो फीडबैक लेना है वो क्यूएमएस टीम जो है फॉर एग्जाम्पल डेवलपमेंट टीम के कुछ सिलेक्टेड लोगों को बोल सकती है कि वॉट इज योर फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन ऑन दिस वेदर दिस इज गुड और बैड इंप्रूवमेंट के इसमें स्टेप्स के हैं या क्या चीज मिस हो रही है क्या चीज ओवरवर्क हो रही है क्या चीज आप लोगों को ओवरलोड कर रही है क्योंकि जो प्रोसेस बनाने का जो मेन गोल है वो लोगों को पैनिक में लाना नहीं है इसका जो मेन गोल है वो ये है चीजों को स्ट्रीमलाइन करना स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ जाना इट्स नॉट लाइक दिस कि आप में लोगों को फोर्सफुली कोई काम करवाना है एंड दे डोंट सी एनी एनी बिजनेस वैल्यू और एनी एनी वैल्यू टू इट तो वो कोई भी लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे सो so, जो सबसे कॉमन चीज है वो है पियर रिव्यू कि ऑर्गेनाइजेशन के लोग आपको फीडबैक दें उस चीज का जो उसी ऑर्गेनाइजेशन के किसी दूसरे डिपार्टमेंट ने बनाया है अब ये ऑन पेपर इट लुक वेरी इजी लेकिन एक्चुअली इसके अंदर जो सबसे सब बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि पीपल आर नॉट वेरी गुड एट द क्रिटिकल फीडबैक ऑब्वियसली जब आपको फीडबैक आएगा जब रिव्यूज होंगे तो इट वो इट विल बी गुड इट विल बी एज गुड इट विल बी एज बैड तो लोग अमूमन uh, जो क्रिटिसिज्म होता है अमूमन जो एंड यूजर का क्रिटिसिज्म होता है वो जिस टीम ने ये बनाया होता है दे आर नॉट वेरी ओपन टू द क्रिटिसिज्म ये इसका सबसे सब बड़ा ड्रॉबैक है तो द द द पॉइंट इज के जिस भी जो भी टीम रिव्यू कर रही है और वो टीम जिसका काम रिव्यू हो रहा है दे हैव टू शो पेशेंस दे हैव टू टॉलोरेट द गुड एंड बैड क्रिटिसिज्म रीजन जो प्रोसेस रोल आउट होना है एट द एंड ऑफ द डे जो एंड यूजर्स है उनको हम एक्चुअली इवेल्यूएट कर रहे हैं इवेल्यूएशन से मुराद ये है कि एंड यूजर्स को हम लोग सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रीम लाइनिंग की चीजों में लेके आ रहे हैं वी आर वी आर टेलिंग देम टू चेंज द वे दे हैव बिन वर्किंग एंड वी हैव डेटा फॉर इट तो और इसी से ड्राइव होती है किसी भी प्रोसेस की इफेक्टिवनेस कि जो हमने इनिशिएटिव लिया है अगर वो विदिन ऑर्गेनाइजेशन लोगों के लिए एक्सेप्टेबल है तो दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग यार्ड स्टिक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है या बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन सेटिस्फेक्शन का लेवल क्या है अमूमन जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है विच आर नॉट ओपन टू चेंज यू विल सी यू विल हैव द मेजोरिटी ऑफ द नेगेटिव फीडबैक और वहां पे किसी भी इनिशिएटिव को ड्राइव करना इट्स इज इट्स वेरी डिफिकल्ट थिंग इट्स वेरी डिफिकल्ट थिंग रीजन कि यू हैव टू बी कंसिस्टेंट लोगों का रिएक्शन आएगा फीडबैक आएगा यू हैव टू यू हैव टू बी कंसिस्टेंट